स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासन द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयनित लाभार्थियों का शहर के कई प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष आदि अंश गांधी, जिला उपाध्यक्ष रोहन पांडे, अंशुमन पाठक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने कहा, शिक्षा का अधिकार कानून का पालन हो, पालन हो, पालन हो, गरीब बच्चों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षा का अधिकार कानून का पालन हो, पालन हो, पालन हो, पालन हो, पालन हो, कांग्रेस जिंदाबाद, 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 युवा कांग्रेस प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद चलेगी, गरीब बच्चों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षा का अधिकार कानून का पालन हो, पालन हो, पालन हो। अभिजीत पाठक, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस गोरखपुर। देखिए, आज हम सभी युवक कांग्रेस के लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 भारत के प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार देता है कि उसकी जो बेसिक शिक्षा है वो निःशुल्क दिलाई जाएगी। भारत का संविधान हर एक बच्चे को यह अधिकार देता है। उसी कानून के तहत जो तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, उनके विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं वो उन बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं, वंचित समाज के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस प्रक्रिया, एक प्रणाली है, एक नियम, एक व्यवस्था बनाई गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के पोर्टल द्वारा उनसे आवेदन लिए जाते हैं। जो पात्र बच्चे होते हैं वो अपना आवेदन करते हैं, एक लॉटरी के माध्यम से उनका चयन होता है, और जो चयनित बच्चे होते हैं उनको बेसिक शिक्षा विभाग से पत्र जारी होता है कि आप जावें और संबंधित विद्यालय में अपना एडमिशन करावें। इस बार भी ये सारी प्रक्रियाएँ हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने पात्र बच्चों को, लाभार्थियों को पत्र दिया। कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जो अकारण धन उगाही के चक्कर में उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून से वंचित रखने के चक्कर में, जो उन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं अकारण, मतलब छोटी छोटे कारण बताकर उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। युवक कांग्रेस के लोग और तमाम जो अभिभावकगण हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, ये होने नहीं देंगे। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात को रखेंगे। ये जिले के सर्वे सर्वा हैं और संबंधित जो विद्यालय हैं उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे, और जितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है उनका प्रवेश सुनिश्चित कराने की मांग करेंगे। अगर फिर भी 3-4 दिनों के अंदर संबंधित विद्यालयों में संबंधित बच्चों का प्रवेश नहीं होता है तो हम लोग सभी जो प्राइवेट विद्यालय हैं जो बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं उन पर बैठ कर क्रामिक अनशन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक वो बच्चों का प्रवेश नहीं लेते और उन पर कार्रवाई नहीं होती है।